मानव संसाधन एवं विकास मंत्री स्मृति ईरानी बिहार के शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी के साथ अपने ट्विटर वार को अब फेसबुक पर ले आई हैं। डियर विवाद पर स्मृति ने अपने फेसबुक पेज पर लंबा जवाब दिया है। दिलचस्प बात यह है कि अपने जवाब के अंत में उन्होंने खुद को एंटी नेशनल बताया। आपको बता दें कि बीते दिनों एक अंग्रेजी अखबार में स्मृति ईरानी को एंटी नेशनल से संबोधित किया गया था। ईरानी ने फेसबुक पर लिखा है कि उनकी परवरिश मध्यम वर्गीय परिवार में हुई है। साथ ही उन्होंने लिखा है, बड़ी होती लड़कियों को सिखाया जाता था कि लड़के अगर छेड़ते भी हैं तो उनका जवाब मत दो, क्योंकि उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लेकिन वो तब भी कुछ विद्रोही होती थी जो सवाल करती थी कि क्यों नहीं बोले, क्यों मुंह बंद रखें। आपको बता दें कि ट्विटर पर अशोक चौधरी ने स्मृति को डियर कहकर संबोधित किया था, जिस पर वो भड़क गई थी। स्मृति ईरानी ने अपनी पोस्ट में उस मानसिकता का जिक्र किया है जिसमें औरत की मेहनत के बाद भी लोग उस पर आरोप लगाते हैं। स्मृति ने अपने जवाब में आगे लिखा, लड़की बड़ी होती है, टीवी स्टार बनती है, लेकिन जब आप सफलता के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं तब आपको सलाह दी जाती है कि पार्टी में जाओ, लोगों से घुलो मिलो, तब काम मिलेगा। अपने स्ट्रगल के दिनों और हासिल किए गए पदों का जिक्र करते हुए उन्होंने अनपढ़ शिक्षा मंत्री जैसे आरोपों का भी जवाब दिया। स्मृति ईरानी ने इस पोस्ट के जरिए मीडिया पर भी निशाना साधा है। उन्होंने लिखा, राजनीति में पदार्पण से पहले आपको एक समझदारी भरी सलाह दी जाती है, जब तक आपके पास अपने पत्रकारों की मंडली न हो तब तक संपादकीय में किसी तरह के समर्थन की उम्मीद न करो। यानी ट्विटर पर शुरू हुई ये वॉर अब फेसबुक तक आ गई है, और आगे ये वॉर कहां तक जाती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। NMF न्यूज की रिपोर्ट।